हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुनील तलरेजा फ्रॉम तलरेजा इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा रूल है यूज़ ऑफ लेट इन टेंसेस एंड मॉडल वर्ब्स। पहले जो हमने लेट का प्रयोग किया था वो आदेशात्मक वाक्य में किया था, वो आप लोगों को आता होगा। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे आने दो, लेट हिम कम, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, कोई काम करने दो। मतलब लेट लगाते ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब लगाते हैं। उसे हंसने दो, लेट हिम लाफ, हर किसी को आने दो, लेट एवरी वन या एवरीबडी कम, मुझे कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई, आपको आता है। अब इसका यूज़ हम कर रहे हैं टेंसेस में या मॉडल्स में। क्यों हम इसका यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि लेट कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कैन कुड वगैरह ऐसी नहीं है, ये तो एक वर्ब है। वर्ब होती है ना, जैसे आना जाना, खेलना, कम गो प्ले वगैरह जो वर्ब्स रहती है, जो एक्शन वर्ब्स रहते हैं। तो ये जो कम गो प्ले अपन किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि तो वर्ब है। तो लेट भी एक वर्ब है, और चूंकि एक वर्ब है तो आप इसको किसी भी रूल में यूज़ कर सकते हो। तो जैसे दो सेंटेंस लिखे हैं, वह तुमसे नहीं पूछेगा और वह तुम्हें पूछने नहीं देगा। आप ध्यान से देखो, टेंस तो दोनों में फ्यूचर है, गा गेगी में विल शैल जो हम लगाते हैं। तो वह तुमसे नहीं पूछेगा, इसमें वर्ब क्या है? पूछना है ना, पूछना हो गया आस्क। अब इसमें वर्ब क्या रही है? वह तुम्हें पूछने नहीं देगा। केवल पूछना क्या होता है? आस्क। और पूछने देना मतलब क्या होता है? लेट आस्क। जैसे जाना अलग बात है, जाने देना अलग बात है। जाना क्या होता है? गो। और जाने देना तो क्या होता है? लेट गो। आना मतलब कम, और आने देना मतलब लेट कम। खेलना मतलब प्ले, और खेलने देना अलग बात हो गई, लेट प्ले। मैं बीच में इसमें गैप क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगता है। तो वह तुम्हें पूछने नहीं देगा, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? ही विल नॉट लेट यू आस्क। हमें उसे जाने देना चाहिए, है ना। खाली हम बना देंगे वी शुड गो हिम, तो गलत हो जाएगा। हमें उसे जाना चाहिए तो कोई सेंटेंस ही नहीं हुआ। तो क्या बनेगा? वी शुड लेट हिम गो। तो लेट का प्रयोग टेंसेस में आप कर सकते हैं। जैसे वह तुम्हें आने नहीं देगा, बोले वह तुम्हें आने नहीं देगा, ही विल नॉट लेट यू कम। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेट यू कम। उसने मुझे आने नहीं दिया, कौन सा टेंस है बताओ? पास्ट हो गया। तो उसने मुझे आने नहीं दिया, ही डिडंट, है ना, ही डिडंट लेट मी कम। उसने मुझे कोशिश नहीं करने दी, ही डिडंट लेट मी ट्राई। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, आई विल नॉट या आई शैल नॉट लेट यू डू दिस। हम उन्हें जीतने नहीं देंगे, वी विल नॉट या वी शैल नॉट लेट देम विन। मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू लिव हियर। मम्मी मुझे 10 बजे बाद टीवी देखने नहीं देती है, माई मॉम डजेंट लेट मी वॉच टीवी आफ्टर 10 या आफ्टर 10 ओ क्लॉक। मेरे पापा मुझे अकेले यात्रा करने नहीं देते हैं, माई फादर माई पापा डजेंट लेट मी ट्रेवल अलोन। तुमने उसे जाने क्यों दिया, है ना, वर्ब क्या है? जाने देना। और टेंस कौन सा हो गया? पास्ट। तो क्या बोलोगे? Why did you let him go? तुमने उसे आने क्यों दिया? Why did you let him come? उसने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया, He didn't, पास्ट हो गया है ना, He didn't let me sleep whole night। मैं तुम्हें नीमत छोड़ने नहीं दूंगा, लीव छोड़ना, कौन सा? LEAVE। I'll not let you leave नीमच। मैं तुम्हें नीमच में रहने नहीं दूंगा, वही लिव है ना, पर स्पेलिंग अलग है, लिव है ना। तो आई विल नॉट लेट यू लिव इन नीमच। बिना टिकट के वे तुम्हें आने नहीं देंगे, बोलो विदाउट टिकट दे विल नॉट लेट यू कम, है ना, विदाउट टिकट दे विल नॉट लेट यू कम। वह तुम्हें पैसे नहीं देगा, ही विल नॉट, अब लेट मत लगाना, आप देखो ध्यान से सेंटेंस सुनो, वह तुम्हें पैसे नहीं देगा। इसमें तो खाली देना आ रहा है, ये थोड़ी बोल रहे हैं वह तुम्हें पैसे नहीं देने देगा, है ना। वह तुम्हें पैसे नहीं देगा, देना मतलब गिव, तो ही विल नॉट गिव यू मनी, ही विल नॉट लेट यू गिव मनी, तो क्या आ जाएगा? वह तुम्हें पैसे नहीं देने देगा, है ना। ऐसा तो आजकल कोई है नहीं, कोई देने ही नहीं दे। मैं तुम्हें यह बिल चुकाने नहीं दूंगा, आई विल नॉट, इसमें ना लेट यू पे दिस बिल। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ऐसा मतलब एटियाँ दिस, आई विल नॉट लेट इट हैपन। तुम मुझे भूल जाओ,
मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बोलो मैं तुम्हें भूल जाऊँ, आई फॉरगेट यू, इट कांट हैपन, और तुम मुझे भूल जाओ मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, एंड यू फॉरगेट मी, आई विल नॉट लेट इट हैपन। अब तीन सेंटेंस आपके होमवर्क के लिए लिखिए। फर्स्ट लिखो, उसने मुझे कुछ कहने नहीं दिया। दूसरा लिखो, मैं तुम्हें उसे भूलने नहीं दूंगा। तीसरा लिखो, तुम्हें उसे आने नहीं देना चाहिए। तो ये तीन सेंटेंस आपके होमवर्क के लिए, ये बना के आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स टाइप करें। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।